जांजगीर चांपा जिले में माल खरोदा और जयजयपुर को छोड़ने वाली सड़क काफी खस्ता हाल में है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क निर्माण के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। जांजगीर चांपा जिले के माल खरौदा और जयजयपुर को जोड़ने वाली सड़क पिछले 15 साल से बदहाल है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं गया। रास्ता ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। इसी को लेकर लोगों ने माल खरौदा में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन ने सड़क निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं की है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरौदा मिशन चौक से जयजयपुर मुख्यालय, दो मुख्यालयों को जोड़ने वाला सड़क पिछले 15 सालों से बहुत खराब है। इसके लिए हम कई बार आंदोलन और मांग रख चुके हैं, आज तक शासन प्रशासन नहीं देख पा रही है। इसी मांग को लेकर आज एक देशी धरना प्रदर्शन किया है। दुर्दशा के लिए आज हमने सांकेतिक हड़ताल किया है। नायब तहसीलदार जी द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है, यदि समय रहते मांग पूरा नहीं हुआ तो 20 तारीख के बाद स्वतः हम लोगों द्वारा विधायक जी के नेतृत्व में सड़क निर्माण कराया जाएगा और पूर्णतः हमारे विद्यार्थी, हमारे मरीज, हमारे जन समुदाय हैं उनको बिना प्रशासन के सहयोग के हमारे द्वारा यथाशक्ति सहयोग प्रदान कर सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। दरअसल माल खरौदा जयजयपुर को जोड़ने वाली ये सड़क व्यापारियों से लेकर आम लोगों के भी काफी काम आती है। दरअसल माल खरौदा जयजयपुर को जोड़ने वाली ये सड़क व्यापारियों से लेकर आम लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जयजयपुर ब्लॉक होने के बावजूद अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे विधायक केशव चंद्रा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये माल खरौदा से जो जयजयपुर सड़क के निर्माण है, जो सड़क अत्यंत जर्जर हो गया है और सड़क केवल नाम मात्र को बचा है, उसके निर्माण की मांग को लेकर के आज का यह धरना प्रदर्शन मिशन चौक माल खरौदा में जो है आयोजित है। जो है प्रशासन को ज्ञापन दे करके उनसे अनुमति ले करके जो है ये आंदोलन आज शासन और प्रशासन को अवगत कराने के लिए कि ये सड़क कितना जो है जर्जर हो गया है, जिसमें चलने लायक नहीं है, ये कार्य आज का जो है आंदोलन आयोजित किए थे। पहले 8 तारीख को जयजयपुर में भी इसी विषय को लेकर के आंदोलन रखा गया था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से ज्ञापन दिया है कि 20 तारीख तक या तो आप स्थिति स्पष्ट करें कब तक शुरू करेंगे, या फिर 20 तारीख के पहले इस सड़क पे मरम्मत की जो है कार्यवाही शुरू करें, और 20 तारीख तक अगर आप नहीं करते हैं तो कम से कम हमारे जो बच्चे लोग हैं स्कूल कॉलेज आ जा सकें। इसके लिए जनता के सहयोग से, आम नागरिकों के सहयोग से जो है सड़क की जो है मरम्मत कराएंगे। चक्का जाम को लेकर नायब तहसीलदार अनुराग भट्ट प्रदर्शन स्थल पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि आश्वासन तो ग्रामीणों को काफी समय से मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सड़क का निर्माण कब तक होगा। जांजगीर चांपा से अमर केसरवानी, टोटल न्यूज।